मौज मस्ती करके दिनों ही समाप्त। आज संडे, घर जाने की तैयारी पूरी जोर शोरों में। एक गाड़ी अपनी और वहाँ अपना बंदा पाइप साफ कर रहा है, बैग वैग लगा रहे बंदे। बस हो गई जितनी मौज मस्ती होनी थी, दो दिन पूल और जंगल में खूब मजे लेने के बाद अब गर्मी झेलेंगे बाइकों पे। हाई टेम्परेचर पे बुलेट भी आई और टेम्परेचर भी आई। तो अब निकलेंगे थोड़ी देर में घर के लिए। बंदे कर रहे हैं अपने अपने बुलेट वगैरह रेडी है। देखो नया बंदा आया, ये अपनी बाइक साफ कर रहा मजे से। इसे पता नहीं है रास्ते में गंदी हो जाएगी। अभी नया नया बंदा है ना, अभी करने दो। दिल्ली जाने की तैयारी, सब लोग कर रहे अपनी बाइक से रेडी। बिल्कुल जंगलों के बीच से रास्ता है ये, बट 15 किलोमीटर शॉर्ट है, इसलिए सब इसी रास्ते से आए हैं। रास्ता देखो कितना मस्त है, ना कोई यहाँ का ना कोई जाता। आ गई तुम्हारी आवाज। जंगल वाला रास्ता भारी पड़ते हुए सभी पे, एक तो फिसलन टूट फूट और ये स्पीच उतरान। ये देखो आराम से भाई, आराम से। ढलान बहुत है और पत्थर बहुत है, बैलेंस हो ही नहीं पा रही भाई। अब मोड़ भी बहुत एकदम से बहुत ज़्यादा है, अगर स्पीड से आए तो शायद नीचे ही जाए। तो बड़े ध्यान से चलानी पड़ रही है इस रास्ते में बाइक है। ये रास्ता खूबसूरत हो जाएगी साथ साथ जोखिम भरा भी है। ये जो पत्तियाँ पड़ी है ना, इससे टायर स्पीड मारा मैं नहीं आऊंगा आज के बाद। जैसे बर्फ में बाइक ब्रेक मारते पीछे वाला टायर एकदम लेफ्ट राइट हो जाता है, बिल्कुल वही सीन हो रहा है। बाकी रास्ता नो डाउट खूबसूरत तो है, क्या हो रहा है? जंगल का रास्ता पूरा बीच में, पर वो यह है कि डर लग रहा है ब्रेक मारते ही बाइक फिसलने का। ये देखो पकड़ पकड़ के लानी पड़ रही है बाइक, जैसे बर्फ में लाते। ये देखो रास्ता खूबसूरत है नो डाउट। राइड का एक्सपीरियंस किसका कैसा रहा? कुछ दो बंदे हमारे साथ नए थे, पूछते हैं इनसे कैसा रहा इनका बाइक राइड का एक्सपीरियंस। चलिए शुरू करें। आई केम फर्स्ट टाइम हियर एंड आई एम वेरी हैप्पी, बहुत अच्छा लगा। और ट्रिप तो ऐसी रही कि कमेंट्स नहीं है, नेक्स्ट टाइम ज़रूर आना चाहूँगा। एंड ऑसम फीलिंग, ऑसम राइड इज़ ऑसम। थैंक यू। बीजी राइडर्स के साथ दूसरी राइड मेरा तो हमेशा जैसे रहता है, मजा किया, गाड़ी चलता रहता है दोस्तों बस। लेकिन ट्रिप में मजा आया। साहब क्या चल रहा है?
दोनों बार हमें बहुत अच्छी लोकेशन मिली। अनफॉर्चुनेटली वो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए, लेकिन कुछ हमने फिक्स कैमरे से अपने मोबाइल से लिए हैं, वो आप हमारे पेज पर जरूर देखेंगे। विशाल ने बहुत अच्छी मेहनत करी है, हम इतनी मेहनत करी है, और वो आपको देखने को मिलेगी हमारे डीजे राइडर पेज पे। चैनल पे आप हमारा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अमित भाई, हाय गाइस, मेरी पहली राइड थी जो कि इतनी एडवेंचरस थी कि मैं किस के शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और ऐसे ऐसे रूट से हमने अपनी बाइक को निकाला है कि भाई, जिसको कहते हैं इम्पॉसिबल टास्क वो था, लेकिन हम सभी साथियों ने अपनी सूझबूझ से और इन लोगों का एक्सपीरियंस जो डीजी आर्डर्स का है वो काम आया। होप ऐसी राइड्स और चलती रहेंगी, इन्जॉय चलता रहेगा। इमोशनल पार्ट ये है कि राइड जब जाते हैं तो एक्साइटमेंट अलग होती है, बस एंड पार्ट जो होता है जब सबको अलग होना होता है तो वो शब्दों में बयान नहीं सकता। रोएगा नहीं कोई। दो दिन की ट्रिप थी, बहुत एडवेंचरस था। बस आपको देखेंगे मिलेंगी सारी वीडियोस, अब देख तो रही होंगे वैसे विशाल की मेहनत। भाई आईफोन का काम है, मजा तो नहीं था। स्पेशल थैंक्स टू विशाल, स्पेशल थैंक्स टू विशाल। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे कहीं किसी द्वारा किसी राइड पे आपसे, तब तक के लिए।